गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक यानी कि उसकी 13.1 एक्सरसाइज के सारे सब सॉल्व कर दिए थे, बराबर है। चलो अब जाते हम लोग असाइनमेंट के अंदर। स्टूडेंट वॉल्यूम की सब सॉल्व करने, सरफेस एरिया के अंदर 13 और 14 ये दोनों सब निकाल देना, वो पेपर में नहीं आएंगे, बराबर है। चलो अब वॉल्यूम के अंदर जाते हैं। तो पहले स्टूडेंट वॉल्यूम के आपको फॉर्मूला आने चाहिए। वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं तो नए पेज के ऊपर बड़ा हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम, पहले उसके फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद में सम करने के, बराबर है। फॉर्मूला होने चाहिए। चलो फर्स्ट नंबर लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच। चलो फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब गुणा में। ये लिखो स्टूडेंट, लीटर नाम का वर्ड है तो आपने जो वॉल्यूम फाइंड किया उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले लिखो 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर। फिर सपोज आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया और उसको मीटर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो लिखो 1000 cm³ इज इक्वल टू 1 L। ये दोनों को खास याद रखोगे आप लोग, बराबर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वॉल्यूम के सम से फर्स्ट नंबर। अब एक चीज ध्यान रखोगे, जहां पर भी कैपेसिटी नाम का वर्ड आए आप याद रखोगे कैपेसिटी, गुजराती में उसको क्षमता भी बोलते हैं। तो जहां पर भी कैपेसिटी नाम का वर्ड आए स्टूडेंट आंखें बंद करके आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, तो वॉल्यूम, क्लियर। कैपेसिटी नाम का वर्ड जहां पर भी पेपर में दिखे आजू बाजू में डाकड़े नहीं मारने हैं, सीधा आप लोग क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम फाइंड करोगे और वो वॉल्यूम को लीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे। इसके अंदर कन्वर्ट करोगे लीटर, क्लियर, दिमाग में पीट हो गया। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, हेडिंग डालो कॉर्न, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कॉर्न हुज हाइट इज 21 cm। स्टूडेंट डायमेंशन लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कॉर्न, चलो हुज हाइट यानी कि क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू 21 cm एंड द रेडियस ऑफ बेस आर इज इक्वल टू 6 cm।
ब्रैकेट में क्या है भाई, आंसर आपको दिया है। चलो क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, फॉर्मूला लगाओ। चलो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वेयर एच। चलो इसमें वैल्यू रखे, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई 21। देखो 7 3 4 21 भी कर, ये 3 3 भी कर, बचा क्या भाई 22 मल्टीप्लाई 36। मल्टीप्लाई करो चलो फटाफट, मल्टीप्लाई करो 36 मल्टीप्लाई 22 करो 7 9 2। अब जब भी वॉल्यूम आए यूनिट उसका क्यूब होगा, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया स्टूडेंट। चलो सेकंड नंबर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वॉटर टैंक। हेडिंग डालोगे सिलिंड्रिकल वॉटर टैंक, हेडिंग डालो सिलिंड्रिकल वॉटर टैंक हूज रेडियस इज 2.1 मीटर। चलो हेडिंग डाल दिया भाई सिलिंड्रिकल वॉटर टैंक चल हूज रेडियस इज आर इज इक्वल टू 2.1 मीटर एंड हाइट कितनी है भाई एच इज इक्वल टू 5 मीटर। चलो फाइन कैपेसिटी नाम का वर्ड है, ये याद रखोगे आप बड़े हो जाओगे आपके बच्चे होंगे तो इतना याद रहना चाहिए। आपका बच्चा 7 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, पूछने आया पापा ये सम है या तो मम्मी ये सम है कि भाई फाइन द कैपेसिटी, तो याद क्या आना चाहिए तुरंत उसको बोलना है कि भाई एक गुरु मंत्र याद रख, जहां पर भी कैपेसिटी आए वहां पर क्या फाइन कर लेना है ये वॉल्यूम। तो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइन करो, फिर उसको क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वॉटर टैंक, ऐसा लिखना है या तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला कौन सा भाई पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी भाई 5। चलो 7 से 21 को कट करे 3 5 से 10 को कट करे 2 2 से 22 कट करे 11 जा। अब क्या बचा भाई 11 मल्टीप्लाई 3 33 33 मल्टीप्लाई 21 करो 33 मल्टीप्लाई 21 करो 69.3 आता है बराबर, नीचे कह रहे तो कितना आया भाई 69.3 मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो याद रखो मैंने 2 स्टेप अभी लिखवाए, अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो स्टेप कौन सा रखेंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देयरफॉर क्या लिखेंगे 69.3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 693 मल्टीप्लाई 1000 और डेसिमल निकाल दिया नीचे 10 रखेंगे 00 पर तो 69300 लीटर आ गया आंसर। बोलो कर सकते हो, कैपेसिटी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं, ये तो सिंपल से सम है, ये दो दो मार्क में पेपर में आ सकती है बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ,
हाउ मेनी मैक्सिमम लीटर स्टूडेंट, जहां पर कैपेसिटी आए वॉल्यूम फाइंड करोगे, लीटर नाम का वर्ड दिखाई दे वहां पर भी आप वॉल्यूम फाइंड करोगे कि भाई हाउ मेनी मैक्सिमम लीटर ऑफ पेट्रोल कैन बी कंटेन इन अ सिलिंड्रिकल टैंक विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब फिगर बनानी कंपलसरी हो गई स्टूडेंट, कंबाइन सब आ गए कि भाई ये सिलिंड्रिकल टैंक है और वो सिलिंड्रिकल टैंक के दोनों एंड के ऊपर क्या है भाई, हेमिस्फेरिकल एंड्स है, बराबर है ENDS एंड्स प्लूरल है, इसलिए दोनों साइड के ऊपर लगाएंगे विथ रेडियस 0.42 मीटर। क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू 0.42 मीटर, यानी कि हेमिस्फीयर की रेडियस, सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम। आगे बढ़ो एंड टोटल हाइट, दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जल गया भाई, ये टोटल हाइट यानी कि टॉप टू बॉटम हाइट कितनी है भाई, 3.84 मीटर टोटल हाइट आई। तो आपको किसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी भाई, सिलेंडर की हाइट। तो अब क्या लिखेंगे, टोटल हाइट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, 3.84 मीटर। चलो आपको किसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए क्या करोगे, टोटल हाइट में से ये दोनों हेमिस्फीयर की हाइट में से उसकी रेडियस को माइनस करें, क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3.84 माइनस। अब देखो आपको क्या करना है, आपके पास दो हेमिस्फीयर उसकी हाइट मीन्स रेडियस माइनस करनी है, तो क्या लिखेंगे, 2 × 0.42 इज इक्वल टू 3.84। 0.42 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.84 आएगा, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 मीटर, कारण कि सिलेंडर की हाइट कितनी आई भाई, 3 मीटर। चलो पहले आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये जो टैंक बनी कंबाइन सम है, तो क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम, कुल घनफल, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान रखोगे ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर है, 2, यानी कि 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, πr²h। गलती से मिस्टेक मत करना, 2πrh मत लिख देना, ये वॉल्यूम है। चलो यहां पर प्लस 2 × 3πr³। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, πr² कॉमन निकलेगा। चलो πr² कॉमन निकालो तो क्या बचेगा भाई, एच प्लस 2 × 4/3 × r बचेगा। चलो वैल्यू रखे पाई, यानी कि 22/7 × रेडियस 0.42 है, तो 42/100 × 42/100 ब्रैकेट के अंदर एच, एच यानी कि 3 + 4/3 × रेडियस यानी 42/100 रख दे, बराबर है। तो कट करने में आपको इजी हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे सब आपको 3 या तो 4 मार्क में मिलेंगे, बट कब कर पाओगे, जब मैं ये सब आपको कराता हूं आप इनकी प्रैक्टिस करोगे।
आप ये वाले सब पेपर के अंदर कर पाओगे, नहीं तो फिर पेपर में आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलो कट करें 7 6 42। चलो एक काम करो, 22 6 132 132 मल्टीप्लाई 42 करो, कुछ कट नहीं होने वाला है। 132 मल्टीप्लाई 42 करो, क्या चेक करो तो 5544 आता है। करो 132 मल्टीप्लाई 42, मैं तो अट्टे मार रहा हूं, आप चेक करो। ए निसर्गया मल्टीप्लाई कर टफोर बेसिलियो है गधेड़ा, आता है भाई 5544। तो चलो लिखे 5544 अपॉन में 1 के पीछे कितने जीरो भाई, 4 0 आगे। चलो सेम ब्रैकेट में इधर देखो, 3 से कट करो, 14 जा 3 14 जा 42। चलो क्या होगा जरा देखो आप लोग, देखो अब कुछ कट नहीं करना, देखो 14 4 जा पहले देख लो बोर्ड के ऊपर, चलो 3 का 3 है भाई, 14 4 जा 56 और 56 के अपॉन में 100 तो क्या होगा भाई 0.56 होगा कि नहीं होगा, तो लिखो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 0.56। चलो इनका एडिशन कर डालो तो 5544 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई 3.56। चलो 5544 को 3.56 से मल्टीप्लाई करो, करो चलो 5544 मल्टीप्लाई 356 आता है वन, देखो 2 पॉइंट कट करेंगे 1973.64 अपॉन 10,000 मीटर क्यूब। अभी भी पॉइंट कट करे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आएगा भाई 1.97364 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आया। अभी स्टूडेंट इसको लीटर में कन्वर्ट करना बाकी है, फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करो, ये मीटर क्यूब आया, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, स्टेप क्या रखोगे, अभी मैंने सीखा एक सम के अंदर। तो भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो क्या लिखेंगे 1.973664 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, मल्टीप्लाई करो 1.973664 मल्टीप्लाई 1000। देखो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये डेसिमल 3 स्टेप राइट में चला जाएगा तो आंसर आपका क्या आएगा भाई 1973.664 लीटर आएगा आंसर 19। जो आपके पास आंसर है वो आ गया भाई, देख लो ऐसे कंबाइन सब कर सकते हैं स्टूडेंट। ये जो सम आपने किया वो पेपर के अंदर 3 मार्क में भी आ सकता है, पेपर के अंदर 4 मार्क के अंदर भी आ सकता है, बट आप कब कर पाओगे, बिल्कुल शांति शांति काम करना है। सेकंड नंबर जब ये सम की आप प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, विदाउट प्रैक्टिस ये सम आपको आने वाले नहीं है, समझ गए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। चलो थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर, अ कॉमन प्लॉट ऑफ सोसाइटी इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर 5.6 मीटर। स्टूडेंट समझो, कभी ये सोसाइटी का कॉमन प्लॉट है, वो कौन से फॉर्म में है भाई, सर्कल के फॉर्म में, और इसका डायमीटर कितना है भाई, 5.6 मीटर। तुरंत रेडियस भी फाइंड कर लेंगे, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। R इज इक्वल टू डी अपॉन टू इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.8 मीटर। अभी ये जो सम कर रहे हो स्टूडेंट, वो 3 मार्क में बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, बराबर है। चलो अब ये प्लॉट को क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में दिमाग में तुरंत 500 वाट का बल्ब जलना चाहिए, वॉल्यूम आएगा, जहां पर क्यूबिक नाम का वर्ड आए वॉल्यूम। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड बाय 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्या करना है, ये जो प्लॉट है सर्कुलर प्लॉट, कभी सर्कुलर प्लॉट के अंदर आपको मिट्टी डालनी है, और ये प्लॉट की हाइट आपको कितनी इंक्रीज करनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। लाइक जो केक होती है वो केक की तरह, कभी केक सर्कुलर ही होती है, कभी सर्कल, और इसके अंदर कितनी केक डालेंगे तो उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट कभी ये सर्कुलर प्लॉट था, मिट्टी डालेंगे तो जो फिगर बनेगी, जो आपको शो दिखेगा, वो कौन सा होगा, क्या बन जाएगा भाई, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यानी कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एच कितनी है देखो तो 25 सेंटीमीटर। आपको यहां पर क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सर्कुलर प्लॉट था, अंदर मिट्टी डाली, हाइट कितनी इंक्रीज करनी है 25 सेंटीमीटर, तो कितनी कितने क्यूबिक मीटर मिट्टी चाहिए, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जो फिगर बन गई, जो स्ट्रक्चर बन गया, वो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। फॉर्मूला रख के फाइंड कर डालो, अरे गधेड़े लोग, चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बोला है ये यूनिट सेम होने चाहिए, कुछ लोगों ने तो सब कर भी डाला, ये मीटर है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मंडी पड़े बस, इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 मीटर। क्यूबिक मीटर नाम का वर्ड है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम फाइंड करो, यूनिट सेम नहीं रखोगे सम हो जाएगा बट रॉन्ग पड़ेगा। लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, तो 22 upon 7 multiply 28 upon 10 multiply 25 upon 100। 7 4 28 कट करो, देखो 25 4 100 कट करो, 4 4 आपका कट हो गया। अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो, कट मत करना, 28 multiply 22 करो, 28 multiply 22 करो, 560 plus 56। आता है भाई नहीं आता है, और नीचे देखो 10 10 जा 100, तो कितना आंसर आएगा, 6.16 मीटर क्यूब। सॉइल इज रिक्वायर्ड ऐसा लिखेंगे, सॉइल इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट सबको समझना, कभी सर्कुलर प्लॉट था, मिट्टी डाल के हाइट रेस की, तो वो क्या बन गया, सिलेंडर, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। क्लियर हो गया है वाला सब, चलो नेक्स्ट सब देखें, उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो आप लोग, चलो पढ़ो उसके अंदर क्या है।
क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कॉल। चलो वॉल्यूम रेडीमेड आया स्टूडेंट, इतना ध्यान रखो, जब वॉल्यूम रेडीमेड हो तो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको इसके आगे वाले चैप्टर के अंदर भी बोला था कि भाई जब भी कोई एरिया या तो वॉल्यूम रेडीमेड हो तो लेफ्ट साइड के अंदर उसका क्या आएगा भाई फॉर्मूला। तो क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 9504 सेंटीमीटर क्यूब एंड द रेडियस ऑफ बेस लिखो आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। स्टूडेंट पहले स्मॉलर डायमेंशन लिखने हैं फिर बिगर डायमेंशन। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, फाइंड द हाइट ऑफ कॉन, एच फाइंड करना है। ये भी तीन मार्क का सम है, छोटा सा है बट तीन मार्क ही सारे सम है। तो अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ कॉन है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है जरा देखो तो 9504। चलो मैंने आपको बोला जब भी वॉल्यूम या तो एरिया रेडीमेड हो लेफ्ट साइड में उसका फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला कौन सा, 1/3 πr²h इज इक्वल टू 9504। आपको हाइट फाइंड करनी है तो 1/3 × 22/7। चलो रेडियस कितनी है भाई, 18 × 18 × h इज इक्वल टू 9504। देयरफॉर एच इज इक्वल टू, सबको सामने ले जाओ बाद में आराम से कट करो, देखो 9504 × 3 × 7 अपॉन में क्या आएगा भाई 22 × 18 × 18। चलो पहले क्या करोगे, 3 से 18 को कट करोगे 6। अब एक काम करो तो स्टूडेंट, पहले छोटी छोटी डिजिटों से डिवाइड कर दे, 9504 को 6 से डिवाइड करो। चलो होता है कि नहीं होता है, 9504 डिवाइड बाय 6 करके 6 1 6 3 3 5 5 5 50 6 8 48 2 24 6 4 कट हो जाता है। चलो कट कर दो, 6 से कितना आया 1584 आया। चलो अब एक काम करते हैं, 1584 को 22 से डिवाइड करते हैं, भाई 1584 डिवाइड बाय 22 7 154 होता है। चलो 4 5 44 22 2 44 हो जाएगा। चलो 22 से इसको उड़ाओ कितना आया भाई 72। चलो अभी 72 18 के टेबल में आता है, 18 से 72 को कट करो 4 जा, आपके पास क्या बचा है, एच इज इक्वल टू 4 × 7 28 सेंटीमीटर। ये तीन मार्क का सम है स्टूडेंट, समझ गए, बोलो पेपर में आया तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये कट करने के आपको आने चाहिए, कट करने के न आए चिंता करने की जरूरत नहीं है, टुकड़े करते करते जाओ और डिवाइड करते जाओ। भाई 22 का टेबल नहीं आता है, इसके बदले में 2 × 11 लिखो, 2 से इसको डिवाइड करो फिर जो आंसर है उसको 11 से डिवाइड करो, ऐसे करते करते जा रहे, समझ गए। भाई बड़े बड़े टेबल न आते हो तो भी कर सकते हैं, भाई पहले टेबल बना लो, भाई 22 का टेबल नहीं आता है आप ऐसे एडिशन करके टेबल बना सकते हो, 22 + 22 = 44 + 22 = 68 + 22 = 110 + 22 = 132 + 22 = 154 ऐसे टेबल बना लो एडिशन करके, देखो ये 1 जा
ये टू जा, ये थ्री जा, ये फोर जा, ये फाइव जा, ये सिक्स जा, ये सेवन जा, टेबल बन गया, बन गया नहीं बन गया, एडिशन करके टेबल बना, फिर डिवाइड करो शांति से, हो ही जाएगा। क्लियर? आपके छोटे भाई बहन को भी सिखा सकते हो, जो फाइव स्टैंडर्ड में पढ़ता है उनको बड़े बड़े डिवाइड आते हैं, वो डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। कि भाई 5,30,628 को 3,458 से डिवाइड करो, क्या उसको टेबल आता होगा? जैसे एडिशन करके पहले 5,000 तक टेबल बना लो और फिर डिवाइड करो आराम से, तो हो जाएगा। चलो हो गया स्टूडेंट ये वाला सवाल। चलो सिक्स नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाए भाई। चलो सिक्स नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या है उसके अंदर? चलो सिक्स नंबर है हमारा मयंक, ये सभी बोर्ड की एग्जाम में मार्च 2017 के बोर्ड के पेपर में आया था। मयंक एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलिंडर विथ टू कोन अटैच्ड एट बोथ द एंड विथ थिन फिल्म शीट। यानी कि मयंक एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको एक प्रोजेक्ट मिला, वो प्रोजेक्ट के अंदर उसको क्या बनाने का है भाई? एक मॉडल। वो मॉडल का शेप है वो कौन सा होना चाहिए भाई? सिलिंड्रिकल शेप, और वो सिलिंड्रिकल शेप के दोनों एंड के ऊपर क्या लगे होने चाहिए स्टूडेंट? कॉन लगे हुए होने चाहिए, ऐसा उसको मॉडल बनाने का है। देखो मैंने बना दिया, बराबर है? द रेडियस ऑफ मॉडल इज 4 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। कभी स्टूडेंट टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर, वो भी लिख देते हैं। कभी टोटल हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ो, दूसरा क्या है भाई? इफ ईच कोन हैज हाइट 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये हर एक कोन की हाइट कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर, वो भी लिख देते हैं। हाइट ऑफ कोन देखो दो दो हाइट आने वाली है, यहां पर क्या होगा थोड़ा समझो, दो दो हाइट आने वाली है, एक कोन की हाइट भी आएगी, दूसरी सिलेंडर की हाइट, यानी कि एक ही सब में डबल डायमेंशन, तो एक के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे, दूसरे के लिए स्मॉलर लेटर। यानी कि चलो कोन के लिए क्या रखते हैं? कैपिटल एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आपको हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी पड़ेगी। चलो वो फाइंड कर लेते हैं कि भाई हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल हाइट में से ये दोनों कोण की हाइट माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 30 - 2 × 3 करेंगे, क्योंकि एक कोण की हाइट 3 है से दो कोण है, तो 30 - 6 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, ये मॉडल के अंदर कितनी एयर भरी हुई होगी। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि मॉडल का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले देसी फॉर्मूला बना, कितना लिख दिया आप लोगों ने, लिख डालो फिर आगे बढ़े। चलो अब क्या लिखेंगे? कब वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कौन है स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉल। चलो आया देसी फॉर्मूला, अब इंग्लिश फॉर्मूला। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉल का फॉर्मूला कौन सा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। कॉल के लिए एच कैपिटल रखेंगे क्योंकि कॉल का एच कैपिटल लिया है, बराबर है। चलो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा भाई, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है दोनों की, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, एच प्लस देखो 2 × 3 इंटू स्मॉल एच बिगर एच आएगा ऐसे, इसलिए कैपिटल रखा, मतलब एच एच में घोटाड़े, जिसकी वैल्यू जहां पर रखनी है वो न रखो तो लोचे हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। चलो वैल्यू रखे पाई यानी कि 22/7, चलो आर स्क्वायर यानी कि 4 × 4 इंटू ब्रैकेट एच, एच यानी कि ये किसकी हाइट है भाई, सिलेंडर कितनी है 7 प्लस 2/3, चलो एच यानी कि कितना है भाई 3, ये 3 उड़ गए तो 22/3.14 लेना है। देखो तो पाई भाई ऐसा कुछ बोला है मैंने इसमें, नहीं बोला, चलो 22/7 ही लेने का, बराबर है। चलो 22/7 मल्टीप्लाई 4 × 4 = 16 मल्टीप्लाई 7 + 2 = 9, एक काम करो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 × 9 = 144 144 × 22 करो, अबे 144 × 22 3/16 / 7, चलो इसको डिवाइड कर डालते 7 से, कितना आया 452.57 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा है आंसर भाई, ये नहीं है 58 है, पॉइंट में डेसिमल के बाद जो पॉइंट है स्टूडेंट 3 पॉइंट तक का फर्क चलेगा, समझ गए, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि इसने ये जो डिवाइड है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक लिया होगा, बराबर, इसलिए इसका आंसर आ जाता है, हमारा थोड़ा पॉइंट में फर्क चलता है, अप्रोक्स लिख देना है। बोले मयंक वाला सम कर सकते हो, ये बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है और आपको भी आना चाहिए, शायद ऐसा सम आपकी टेक्स्ट बुक में भी आने वाला है। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए भाई, चलो नेक्स्ट सम हमारा है द सीएसए ऑफ कॉन इज 550 cm² इफ इट्स डायामीटर इज 14 cm फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले हेडिंग डालोगे क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर, कॉन प्रेजेंट है तो हेडिंग डालो कॉन, चलो हेडिंग डालो कॉन, पहले स्मॉलर डायमेंशन लिखने फिर बड़े डायमेंशन लिखेंगे, हमारे पास क्या है भाई डायामीटर डी इज इक्वल टू 14 cm, चलो रेडियस फाइंड कर ले, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 cm,
चलो दूसरा क्या है भाई हमारे पास, सी एस ए ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू कितना है भाई 550। और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये कॉर्न का वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले मैं जो बोलू उसके आंसर आप लोग बताओगे। चलो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला कौन सा, 1/3 πr²h। चलो उसमें रेडियस तो आपके पास है, क्या हाइट आपके पास है, नहीं है, तो क्या करनी पड़ेगी, हाइट लानी पड़ेगी। चलो हाइट लाने के लिए आपके पास दूसरा क्या है, सी एस ए ऑफ कॉर्न है। मैंने आपको बोला जब भी कोई चीज रेडीमेड हो उसका फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाएंगे। चलो सी एस ए ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर एल। इसके ऊपर से चलो पाई और आर है तो हमें क्या मिलेगा, एल। एल के ऊपर से अभी हमें क्या लाना पड़ेगा, एच। यानी कि फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एच। और फिर हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते, क्लियर। चलो तो सी एस ए कौन है आपके पास, चलो इसका फॉर्मूला लगाओ, तो भाई पाई आर एल इज इक्वल टू 550। तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई, 7 मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू 550। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7। 7 का 22 से 550 को डिवाइड करो। चलो डिवाइड करो तो डिवाइड करो आप लोग, तो भाई 22 2 = 44, 11 बचा, ब्रिंग डाउन 0 करो, 22 5 = 110, 25 आ गया, मैंने लिख के रखा है देखो। चलो एल मिल गया, अभी हमें एच फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, एल का फॉर्मूला हमारे पास है एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। चलो एल यानी कि कितना है भाई, 25² इज इक्वल टू 7² प्लस एच स्क्वेयर। 25 का स्क्वेयर 625 इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वेयर। 49 इसमें से माइनस हो जाएगा, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, दोनों का माइनस करो, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 576। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये सब आईएमपी सब है स्टूडेंट। चलो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग रखोगे पूरा करो, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला रखो, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का, तो भाई वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू 1/3 πr²h। तो 1/3 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई, 7 × 7 = 7 × 24। 7 कट, 3 से 24 कट करो, 8 जा। चलो बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो, 22 7 जा 154 मल्टीप्लाई 8 करो करो। चलो वन टू थ्री टू सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेंगे, समझे, कर सकते हो आप लोग। तो आज हम लोगों ने 7 सम किए, पहले आप लोग ये 7 की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये नेट प्रैक्टिस है। फिर बैटिंग वाले सम भी अंदर आ गए बराबर, मयंक वाला आया, ये वाला आया, बराबर है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।
तो फिर कल की वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। कल की वीडियो में जो सम आएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेंजर डेंजर सम आने वाले हैं, समझ गए? तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।